आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या दिख रहा है वहां पर? वहां पर क्या दिख रहा है? रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। जोर से बोलो। रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। बहुत रिलैक्स, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहां पर वहां की मिट्टी कैसी है जहां पे आप वहां बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं? वहां कैसा वातावरण है? कैसा है वहां पर? कैसा है वहां पर? इंद्रधनुष की तरह छाया हुआ है। जोर से बोलिए। इंद्रधनुष की तरह वहां। इंद्रधनुष की तरह है। बहुत सुंदर, सुपर, वेरी नाइस। वहां की मिट्टी कैसी है? वहां की मिट्टी कैसी है? मैं उसके ऊपर हूँ। आप उसके ऊपर हो? कोहरा छाया हुआ है। कोहरा छाया हुआ है और आप धरती पर नहीं हो? नहीं। कौन सा लोक है फिर वो? कहाँ पर हो आप? इतना कोहरा छाया हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोहरा छाया, कोहरा को क्रॉस कराता हूँ अभी। थ्री, आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य आत्माएं हैं, वो सारी उस क्रॉस को क्रॉस करके वहां का पूरा वर्णन कर सकते हैं आप। टू, वन एंड जीरो, यस, अब आप कोहरे को क्रॉस कर चुके हैं, आपके अंदर वो शक्ति है। यू कैन वॉच, आप वहां बता सकते हैं, यस। हाँ, कोहरे के उस पार क्या है? कोहरे के उस पार क्या है? कोहरे के उस पार बताइए क्या है? पूरा सन्नाटा छाया है। सन्नाटा छाया है, वेरी नाइस। अंधेरा है कि उजाला है? उजाला है। हल्का दूधिया, हल्का दूधिया उजाला है। वहां पास में जाओ आप, वहां पे घर मकान। थ्री, आप पूरा एरिया देख के बता सकते हैं पूरी एरिया के बारे में। टू, वन एंड जीरो, डीप स्लीप, यस। वहां का पूरे बताइए आप, पास में जाके क्या है, कैसा है वहां पे, घर मकान है क्या? नहीं, इसके आगे नहीं पहुंच पा रहा। उसके आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूधिया सा प्रकाश है, वो पृथ्वी है कि कोई दूसरा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां पर, यस। सर्च करो आप। फाइव, आपके माइंड को मैं छू देता हूं जैसे ही, और छूने से आपके अंदर वो पावर आ जाती है। फोर, और आपकी दिव्य आत्मा वो सारी वहां की जर्नी बता सकती है। थ्री, टू, वन एंड जीरो, यस, आपके अंदर वो पावर आ गई है परम पूज्य डॉक्टर नारायण श्रीमाली साहब की, गुरुदेव भगवान की कृपा से, यस। वहां पर आप उनकी शक्ति से देख पा रहे हैं, यस। अब वहां पर अब आप कहां पहुंच गए? अब आपने और सर्च कर लिया है, अब क्योंकि गुरु कृपा आपके साथ जुड़ गई है। वहां पर कोई घर मकान है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। क्या है वहां? वहां वहां पर क्या है? हैंग हो गए वहां पर, हैंग हो गया वहां माइंड। ओके, आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं पूरी तरह से, और वो मंत्र की शक्ति से आप बता पाने वाले हैं अभी हाल। वो मंत्र की शक्ति आपको बता देगी अभी हाल। मंत्र की शक्ति से आपको, वो मंत्र की शक्ति भी मैंने दे दी है। ओम निखिलेश्वराय नमः, ये गुरुदेव भगवान का मंत्र है, उनके नाम का। और उस मंत्र की शक्ति से आप वहां पर सब कुछ देख पा रहे हैं अब। फाइव, आपके अंदर वो क्षमता है, उसको क्रॉस करते जाओ, स्पीड से बढ़ो। कौन सा लोक है वो? पृथ्वी लोक है, कोई दूसरा लोक है? फोर, और बहुत तेजी से सर्च कर रहा है आपके माइंड, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा जुड़ चुकी है उसमें साथ में। थ्री, टू, वन एंड जीरो, डीप स्लीप। वहां चारों तरफ का एरिया बताइए आप, पृथ्वी लोक है, कोई दूसरा लोक है, कौन सा है वहां पर? पृथ्वी लोक है, दूसरा लोक है, पृथ्वी लोक है कि कोई दूसरा लोक है? पृथ्वी से हटके है कि पृथ्वी जैसा है? पृथ्वी से हटके। कैसा है? पृथ्वी से हटके है। पृथ्वी से हटके है। थ्री, आइडेंटिफाई करिए आप, वहां किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की आत्माएं रहती हैं? टू, वन एंड जीरो, यस, वहां के लोग और वहां की आत्माएं कैसी हैं? पृथ्वी से हटकर है वो लोग, कैसी हैं वहां की आत्माएं, कैसी हैं वहां की जो आत्माएं हैं वो कैसी हैं? या मनुष्य रहते कि नहीं रहते वहां पर? वहां मनुष्य रहते हैं क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, वो पृथ्वी से हटकर के एक लोक है बस। पृथ्वी से रंग बदल रहे हैं, रंग बदल रहा है बार बार, वेरी नाइस। थ्री, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा कुछ में। उसमें वहां पर रंग बदल रहा है, इंद्रधनुषी रंग था अभी पहले। थ्री, और ज्यादा डीप अवस्था में आपका माइंड सर्च कर रहा है। टू, और स्पीड से आप वहां पर पूरा सर्च कर रहे हो, पूरा बताने की क्षमता है आपके अंदर, वो आपके अवचेतन मन में वो शक्ति है। वन एंड जीरो, आप वहां पर पूरा सर्च कर सकते हो, पूरी तरह से सर्च कर सकते हो। वो सीन है, वो कितने साल पुराना है,
वो कितने साल पुरानी बात है, कितने साल का है वो? वहां पर वो कुछ चीजें लग रही होंगी ओल्ड लग रही हैं या कब की, कितने साल पुराना है वो सीन? सारी चीजों के मुझे कुछ नीचे नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब बंद हो गया? सारी चीजें नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, कुछ परत सी डाली हुई है। अच्छा, सारी चीजें आपसे नीचे हैं, आप ऊपर हो? जी हाँ, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं? वाह, वहाँ पर आप कभी रहे हो वहाँ पर? आप जहाँ पर हो, मेरा वजन हवा से भी हल्का महसूस हो रहा है। आपका वजन हवा से भी हल्का महसूस हो रहा है, वेरी नाइस। आप सर्च कर सकते हो, वो लोग पृथ्वी लोक से हटकर है, आपके बाकी सब नीचे है, आप सबसे ऊपर हो। या स्त्री, आपकी आत्मा पूरा विचरण कर रही है वो विश्व ब्रह्मांड उस लोक का। 2, 1 and 0 आप सर्च कर सकते हो। आप वहां पर पहले जो विचरण आप कर रहे हैं, तब आप क्या थे वहां पर? तब आप मनुष्य थे, क्या थे आप? क्या थे आप उस समय जब आप ऊपर धरती से भी ऊपर लोक में थे, उस समय क्या थे आप? उस समय आप क्या थे? मनुष्य थे कि मनुष्य हटके थे? आप मनुष्य थे क्या, क्या और कुछ थे? मनुष्य थे कि कुछ और थे? उड़ती हुई चीज, उड़ती हुई चीज थे। ओ वेरी नाइस। 3, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप क्या थे उड़ती हुई चीज? 2, 1 and 0 डीप स्लीप। उड़ते हुए में क्या, जो उड़ते हैं वो कौन थे? पक्षी थे, क्या थे जो उड़ते थे? या कोई दिव्य योनियां थी जो उड़ने वाली? कौन सी चीज थे आप? कोई पक्षी थे क्या? कोई पक्षी थे या कोई दिव्य योनि थे? क्या थे आप उड़ने वाली चीज? बहुत साफ सुथरा था। उड़ने वाली चीज क्या थे आप? क्या थे जो उड़ सकते थे? उड़ने वाली फुल रिवर्स हो गया, सब कुछ रिवर्स हो गया पूरा। पहले क्या था? बस व्हाइट सी चीज दिखी है, फिर इसके बाद रिवर्स हो गया पूरा। व्हाइट दिखी थी आपको पहले? बहुत सुंदर। 3, आप उसको फिर सर्च कर पा रहे हो। 2, 1 and 0 आपके माइंड में, जैसे मैं हाथ रखता हूँ और वो गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सारा चीज फिर देख सकते हो। आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, आपके अंदर दे दी है वो शक्ति। यस, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन सर्च। आप उड़ने वाली आप क्या थे उस जन्म में, पिछले जन्म में आप क्या थे? वो जो उड़ने वाली आप थे, जो बोल रहे थे उड़ते थे, आप उड़ते थे? नहीं, मेरा वजन उड़ने जैसा था। उड़ने जैसा, हवा में लटकी हुई, जैसे हवा में कोई चीज लटकी हो। हवा में जैसे कोई चीज लटकी हो उस तरह की? और भी लोग लटके थे कि आप भर? एहसास हो रहा था, दिख नहीं रहा। दिखने में एहसास हो रहा था जैसे आप हवा में लटके हो। आपको अपना समझ में आ रहा था कि वो लटके वाले उसमें पक्षी योनि में थे या कोई दिव्य योनि में थे? जो लटके होते हैं वो कौन थे? गुरुजी बड़ी चमक थी उसमें, बस इसके बाद मैं रिवर्स हो गया हूँ, पूरे वापस जहाँ पे मैं अभी लेटा हुआ हूँ वहाँ आ गए। लेटा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। माने जो पहले जहाँ चमक थी वहाँ थे आप? वेरी गुड। चमक तक पहुँचे बहुत। तो आपने आज की क्लास जो है देखी कि अपन ने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिप्नोटिज्म है, और कल से क्लास और अच्छे से रन करेगी। और जैसा कि हमारे बीच में सभी लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि अंकित जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, अपना माइक खोलिए। सारे लोग माइक खोल लें, अब अपना माइक को ऑन कर सकते हैं। अंकित, अपना माइक ऑन कर लो। और हाँ, वेरी गुड, आप अपना त्राटक या मेडिटेशन का अभ्यास बताएं। अंकित फ्रॉम सहारनपुर, त्राटक या मेडिटेशन, चलो शुरू कर दो। जब जागे तभी सवेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? आप जो है, अब मैं चाहूंगा कि अब हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में जो है बहरीन, ये बहरीन किस उसमें आता है? संयुक्त अरब अमीरात में आता है क्या? किस कंट्री में आता है बहरीन? अच्छा, एक देश है बहराइन, एक देश है। ओ
ओ राइस, तो बहराइन से जुड़े हुए हैं, और आप बताएं त्राटक या ध्यान के बारे में आपकी क्या कंडीशन है? हाँ, शांभवी मुद्रा में आप ध्यान करते रहे, तो हमारे बहराइन से बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बबलू शर्मा जी हैं और बहराइन में रहते हैं, बेसिकली ये बांग्लादेशी हैं, तो इनका ध्यान चलिए उसको जारी रखिए आप, बहुत अच्छा करिए। हाँ जी बताएं, कामेश्वर जी फ्रॉम झारखंड पुलिस, कामेश्वर जी माइक खोलिए, माइक को खोल के बताइए, अपना माइक ऑन करके त्राटक और ध्यान की क्या कंडीशन है आपकी? माइक अपना जो आपका स्क्रीन पर माइक है, स्क्रीन पर जो माइक है ना उसको खोल लीजिए, स्क्रीन पर जो माइक है, स्क्रीन में जो माइक है ना, हाँ अब बताइए त्राटक ध्यान की क्या कंडीशन है? हाँ बहुत सुपर, अब सभी लोग पांच पांच मिनट, कम से कम मिनिमम 5 मिनट त्राटक करना है सभी को, ये मैं आपको सभी को निर्देश दे रहा हूं, सारे लोगों को कम से कम 5 मिनट, कम से कम मिनिमम 5 से लेकर 20 मिनट का कहना चाहिए, तो वो त्राटक और ध्यान का अभ्यास आपको करना है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा सफल हिप्नोटिस्ट बनना है। ठीक कामेश्वर जी, अब नवदीप फ्रॉम मोहाली, मोहाली से जुड़ी हुई है नवदीप, नवदीप बताएं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर त्राटक और मेडिटेशन? कभी नहीं, अब दैट शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेडिटेशन आपके लाइफ का जो है रेगुलर पार्ट होना चाहिए, क्यों, आपको हिप्नोटिज्म की दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको त्राटक और मेडिटेशन अच्छा करना पड़ेगा, करेक्ट? सो कंटिन्यू नवदीप मोहाली से। अब मैं चाहूंगा पीपी म्यानेवार फ्रॉम महाराष्ट्र, और बताएं चूंकि ये क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रमोद म्यानेवार जी परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली साहब के शिष्य हैं, उनसे दीक्षित हैं, आपको बता देता हूं, तो परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से जो भी जुड़ा रहा वो डेफिनेटली एक अच्छा साधक रहा है, और इसीलिए ये एक साधक हैं और इनकी साधना निश्चित रूप से बहुत अच्छी चल रही होगी, आगे भी अच्छी रखेंगे जी। संजय शास्त्री जी जुड़े हैं हमारे हरियाणा से, तो हरियाणा से संजय शास्त्री जी बताएं। चलिए मैं किसी दिन एक दिन अभी क्लास लूंगा, अभी आपको सबको एक मेडिटेशन की क्लास दूंगा, थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, तो मेडिटेशन को आपका बहुत सॉलिड बनाने के लिए मैं मेडिटेशन के बारे में एक दिन स्पेशल टॉपिक पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और डिस्कस करूंगा, उसको बहुत अच्छा करेंगे। चलिए दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं शमशेर सिंह जी, जी बताएं। हाँ चलिए, आपको आपको हर हाल में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रेगुलरली त्राटक या मेडिटेशन करना है, हर हाल में करना है, ठीक है ना? तो सभी के लिए आज इतनी क्लास के बाद मेरी ड्यूटी लगी है प्रधानमंत्री आवास योजना में, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पण करेंगे, तो मेरी ड्यूटी यहाँ एरिया में लगी है, मैं क्योंकि गवर्नमेंट इंजीनियर हूं तो उस नाते हमारे एरिया में माननीय विधायक जी पूर्व मंत्री जी जा रहे हैं, तो मैं खट से कपड़े पहन के निकलने वाला हूं, तो सभी के लिए एक ही कहूंगा मैं फिर से कि अंकित फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, त्राटक ध्यान करना है, और बहरीन से हमारे बबलू जी और हमारे कामेश्वर जी झारखंड, नवदीप मोहाली, हमारे म्यानेवार जी महाराष्ट्र, संजय शास्त्री जी हरियाणा, और क्या नाम शमशेर सिंह जी दिल्ली, सभी से मैं एक ही बात कहूंगा कि अपना जो हिप्नोटिज्म है वो साधना वाला हिप्नोटिज्म है, वो हवा हवाई हिप्नोटिज्म नहीं है, ना टेक्निक पे आधारित है, हमारा साधना वाला पार्ट है। सो यू ऑल शुड कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ द त्राटक और मेडिटेशन डेली रेगुलरली अपन को करना है, ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं 2 लाइनें जरूर बोलूंगा मोटिवेशनल, क्योंकि ये जोश जज्बा जुनून का काम है,
इसमें आपको लगना पड़ता है बहुत जी जान से और बहुत पॉजिटिव होके लगना पड़ता है, 100% पॉजिटिव होके। तो दो लाइन में एक शायरी के साथ में समाप्त करूंगा, और हर वीडियो में आपको मेरी एक शेर शायरी जरूर मिलती है, और मैं कहूंगा कि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और हाथों की लकीरों पर मत जाना यारो, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आपने तालियां नहीं बजाई यार, तालियां तो बजाना चाहिए ना, नवदीप तुमने भी ताली नहीं बजाई। चलो मैं तो बना देता हूं तुरंत शेर, अब ताली जिसने नहीं बजाई तो मैं अभी दो लाइनें उसके लिए समर्पित करता हूं कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ में, गॉड ब्लेस यू, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऑल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ, फिजिकल डिसीज से मुक्त रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में आपके जीवन में रहे, और हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, और मेरी शुभकामनाएं मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे, ओके, बेस्ट ऑफ लक।